क्या आप भी मंदिरों में मिलने वाले फूल और पत्तियां बिना सोचे समझे खा लेते हैं? तो जरा रुक जाइए, क्योंकि हर पत्ती और फूल सुरक्षित नहीं होते। कुछ पत्तियां इतनी जहरीली होती है कि आपकी सांसें भी थम सकती है। आइए जानते हैं एक ऐसी चौंकाने वाली घटना के बारे में जिसने सबको हैरान कर दिया है। हाल ही में केरल सरकार द्वारा नियंत्रित दो मंदिर न्यासों ने ओलियंडर प्रजाति के फूल यानी कनेर फूल की एक किस्म के चढ़ाए जाने पर पाबंदी लगा दी है। ये मंदिर न्यास 2500 से ज्यादा मंदिरों की देखरेख करता है। स्थानीय भाषा में अरली कहलाने वाले ये फूल जहरीले माने जाते हैं। संज्ञान में ये लाना चाहूँगा, पौधे अपने बचाव के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जिसमें पोटेशियम साइनाइड भी होता है, और पोटेशियम साइनाइड को संखिया कहते हैं। एक बहुत जहरीला केमिकल है, ज़्यादातर चारे फॉडर में ये गर्मी के दिनों में पैदा हो जाता है तेज़ टेम्परेचर की वजह से, और ये इस तरह के पौधों में जैसे धतूरा है या कनेर है इन पत्तियों में भी हो सकता है। इस कारण से अनजाने में उनको शायद ज्ञान नहीं रहा होगा उन्होंने ऐसा किया, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई होगी, जो हमारे संज्ञान में है। पोटेशियम साइनाइड बहुत ही घातक जहर होता है। इसको खाने के बाद लोगों को मौका नहीं मिलता बताने का कि इसका टेस्ट कैसा था। ऐसे ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए। इस फैसले की वजह बनी 24 साल की नर्स सूर्या सुरेंद्रन की दुखद मौत। सूर्या यूके में नई नौकरी के लिए जाने वाली थी। उन्होंने लापरवाही में घर पर उगे कनेर की कुछ पत्तियां खा ली। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें पॉइजनिंग के लक्षण दिखे। कोची एयरपोर्ट पर उन्होंने बताया कि उन्हें आखिरी बार फूल की पत्तियां खाई थी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजनिंग की पुष्टि हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के डॉक्टर मुन्ना सिंह के अनुसार कुछ पौधे अपने बचाव के लिए पोटेशियम साइनाइड्स जैसे घातक जहर बनाते हैं। कनेर का फूल और धतूरा भी इनमें शामिल है। ये जहर इतना घातक होता है कि इंसान की सांसें थम जाती है। गर्मियों में जानवर भी हरा चारा देखकर इसे खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि आप साइंस इसके पीछे देखना चाहेंगे तो मनुष्य का शरीर सांस के द्वारा चलता है, और वो सारी सांस जो है माइटोकांड्रिया नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो चलाता है। उसके पास कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो पोटेशियम साइनाइड सेंसिटिव होते हैं, ख़ास तौर से आदमियों में, जानवरों में। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस समय तमाम सारे लोग पोटेशियम साइनाइड वहाँ रिलीज हुई, जिसको आप कार्बाइड गैस कहते हैं, और उसमें तमाम सारे लोगों की अचानक डेथ हुई, लेकिन पौधे नहीं मरे थे। पौधों में ये पोटेशियम साइनाइड रेजिस्टेंट होता है, तो इसलिए उनमें यदि इकट्ठा है और जानवर खा लेगा, आदमी खा लेगा, तो उसके लिए खैर नहीं, उसका फिर वो पूरा सांस का सिस्टम ही बंद हो जाएगा। अक्सर लोग प्रसाद में मिले फूल और पत्तियां फेंकने के बजाय उन्हें खा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। इन फूलों और पत्तियों को वापस भगवान के पास ही रख दें। अगर आप पत्तियों का सेवन करना चाहते हैं तो तुलसी, अमरूद और नीम की पत्तियां खा सकते हैं। ये पत्तियां सेहत के लिए फायदेमंद होती है और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। या इवन नीम की पत्ती है, ये लोग खाते हैं और ये फायदेमंद है। इवन लोग बाग जो है जरा कुछ का पत्ती भी डालते हैं, चाय में पीते हैं, जैसे कि बुखार ठीक हो जाए, तो मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं, लेकिन हर एक के नहीं। तो जब जब आप इस तरह का कार्य करें तो आप समझ बूझ के करें। धतूरा की पत्ती कभी ना पिएं, धतूरा का फल कभी ना खाएं, इनमें बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है जो आदमी की सांस को तुरंत रोक देगा। तो हर फूल और पत्तियां सुरक्षित नहीं होती, जरा सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। लोकल 18 के लिए लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी डॉक्टर के अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता।